कबड्डी के खेल से हम सभी को प्यार है। KMPYKS का ये मैच नंबर 104 है। नासिक डिस्ट्रिक्ट द्वारका डिफेंडर्स टू टेक ऑन द ओपनर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट चंबल चैलेंजर्स। नागर राइट एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, पांच मुकाबले खेले, पांच के पांच जीते हैं। कोल्हापुर ने पांच मुकाबले जो खेले हैं जिनमें से चार जीते, एक मुकाबला गवा। नासिक डिस्ट्रिक्ट द्वारका डिफेंडर्स। लगातार जीत और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट चंबल चैलेंजर्स। चैलेंजर्स की वो साइट जो बीच में अजुल में लटकती नजर आ रही है, लेकिन ये क्या नजर आ रहा है, एक बॉलीवुड का गाना सुना चाह रहा है। स्वागत है रायन जेम्स। हेलो आयुष, एंड टू इंट्रोड्यूस द स्टार। लेकिन परफॉर्म करना पड़ता है आपको टॉप 3 रेडर्स आज के ये जो एडिशन रहा है इसमें 194 पॉइंट निकालने वाले। वी टेक अ लुक एट द टॉप 3 एंड द टॉप 3 डिफेंडर्स राइट नाउ। इन फर्स्ट प्लेस वी हैव प्रणव एज वेल। आयुष मुकाबला भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो इसकी उम्मीद की जा रही है। सिक्का हवा में उछला गिरा किसके पक्ष में ये पता करते हैं। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट चंबल चैलेंजर्स ना सिर्फ मुकाबले जीते नजर आ रहे हैं, टॉस भी जीते। स्वागत टेस्ट इकबाल मैच नंबर 104 नासिक अप अगेंस्ट नांदेड़। नांदेड़ एक ऐसी टीम जो कि ठीक ठाक खेल खेल रही है, लेकिन नासिक इन्होंने तो अंदर ही एक खेला खेला है जिसमें दो बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया। शिव कुमार वो आमतौर पर स्टार्टिंग में नजर आते नहीं है, लेकिन ईश्वर उनको बाहर करके प्रतीक के ऊपर आज वो जिम्मेदारी डाली है कि स्टार्टिंग सेवन के अंदर वो शुरुआती कैंप जो है जो रेड्स का सिलसिला है उसको अपनी टीम की तरफ से बनाए। और कॉमेंट्री बॉक्स में बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। स्वागत है रायन जी। And right now, Nashik here will be looking to get a strong start. But Nandit is a team that you cannot sleep on, because this man right here, Rajit Chavan, can get going and put some and cause some serious damage to any given team here, Ayush. He can do that, and that's what he's doing at the moment. Rajit Chavan getting another point for the side. In fact, two touch points and one bonus will get out Mehul and Nitin out of the park. There you go, then. Outstanding effort by the guy in jersey number thing. As he did in the prior raid, because he's so versatile, he's so agile, he quickly switch sides and take a look at that. He will escape just like that. Raider safe. 1 point. Avinash from yesterday evening, ready for those two raiders, and all of a sudden they're here today and they see the starting seven. They're like, oh, those two guys are not here, which could be a very different scenario. Speaking of a different scenario, that's not something we're not able to see, because Ajit Chavan is just getting points. After and he's gotten 2 points yet again. वो पॉइंट समझ में आ गया कि आपने दो खिलाड़ियों को चेंज किया, लेकिन उन बचे हुए बहातार गलतियां करते आ रहे थे, इस बार भी उन्होंने गलती की है, बाहर जाना पड़ा। टू और डाई की परिस्थिति, सद्दाम शेख अपनी पहली रेड के ऊपर। आमतौर पे पिछले मुकाबले में भी हमने देखा है इस खिलाड़ी को डू और डाई में आते हुए, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट का पार्ट रहते हैं। आज स्टार्टिंग सेवन में मौका मिला है, लेकिन ये सेवन नांदेड़ का डिफेंस सर दबोच सिचुएशन, बिकॉज़ वी कैन टेक अ लुक एट दिस। आदित्य चव्हाण शुड इजीली गो स्कूप दैट 1 पॉइंट एंड कम बैक। ही इज गोइंग देयर वन ऑन वन विद द डिफेंडर। गुड डिफेंडिंग बाय द डिफेंडर, ही इज स्टेइंग क्वाइट एजाइल, and I think he stepped out. Yes, he has stepped out, or the touch point has taken place. Irrespective, the point along with the all out points will be gone to Nandit, and Nandit will be the team getting the first all out and taking an early lead in this game. बहुत ज्यादा इंप्रेस किया नहीं है, लेकिन नांदेड़ का डिफेंस उन्होंने खाता खोला। अभिषेक बोरुंदे वो खिलाड़ी जिसके बारे में कोच ने वो प्री मैच इंटरव्यू में कहा था कि उनसे आज डिफेंस की अलग स्किल सेट देखी जा सकती है, उन्होंने खाता खोला है। इस बार फिर अटेम्प्ट आया जरूर अभिषेक की तरफ से, और एक और डिफेंसिव पॉइंट नांदेड़ के डिफेंस मिड एयर इटसेल्फ। द डिफेंडर एंश्योर्ड दैट ही डिड नॉट कंप्लीटली गेट थ्रू हिम, एंड 10 पॉइंट लीड इज व्हाट नांदेड़ इज सिटिंग ऑन। एंड अजित चव्हाण हियर, I don't think a lead difference is much of a matter to him, because he just goes and scores points at good rhythm.
question is, will he do it now? And I think that is completely unnecessary by the defender there. फासला जो है वो 11 अंकों का हो चुका है और अजीत शुरुआती वो लमसम 6-7 मिनट के खेल में रायन आप स्कोर देखिए 8 के ऊपर पहुंच चुके हैं यदि मैं गलत नहीं हूं तो. एक और ब्लॉक, एक और खिलाड़ी बाहर. रेडर आउट, 1 पॉइंट. और तो आप रायन से पूछे, इनको पता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस के अंदर वो कोच का चेहरा कितना खुश होता है. लेकिन सद्दाम शेख इस खिलाड़ी को ये पता है कि टीम पूरी की पूरी ट्रबल में, इनफैक्ट डीप ट्रबल में. डिफेंस ने डैश करके उठा के बाहर फेंका. ओहो, फैंसी टूटी टूटी रह गई. ताकत देखिए आप नांदेड़ के डिफेंस की. That is hands down one of the best dashes I've ever seen. Take a look at the way he executed it. He completely sent fan code, and I'm sure he's joined the viewers on fan code as we have the Yuva Kabaddi series being broadcasted there. And right now, a super tackle situation on, and Ajit Chavan will capitalize in the situation because he gets a point once again at ease. 1 point, Nanded. शुरुआती रन के अंदर वो कैपिटलाइजेशन दिखाया है. 9 मिनट के अंदर 10 पॉइंट निकाल के सुपर 10 कंप्लीट करने वाला ये खिलाड़ी अजीत नांदेड़ की टीम को उस जीत के बहुत पास ले जा रहा है. यकीन मानिए अभी भी 31 मिनट का टोटल खेल खेला जाना बाकी है, लेकिन जिस कदर की शुरुआत नांदेड़ ने दे दी है, मुझे लग रहा है कि ये विक्ट्री का फासला भी बहुत बड़ा हो सकता है रायन. Definitely, and once again, the all out has been inflicted. However, Nashik will get their third point because of the bonus. And Shinde can come in and possibly get a point and turn the tide, or at least get his team slowly into the game, because they are not in this game in any which way. And the error there by the defender went. Yes, and the score line here is a 17 point difference between the two sides. And Nashik got a point previously. They've not gotten any defensive points here, and that's why I think they've struggled all throughout. They've gotten points in the form of raids. We saw the third point coming through a do-or-die raid, and they will get another point through a raid. And I feel the defender there should have done better. बारा मोशिन पठान को जिनको फिर सब्स्टिट्यूट करके लाया गया था, और वापस अंदर कौन आए हैं, अभिषेक बोरुंडे उनके डिफेंडर, लेकिन रेड करते हुए पॉइंट देयर बट वाज नॉट गुड इनफ टू स्टॉप दैट गुड रीच विद हिज लेग बाय द रेडर देयर. हियर द किक अटेम्प्ट बट अ ब्यूटीफुल डैश देयर वंस अगेन. एंड एक सब्स्टिट्यूट होते ही अंदर आते ही अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट निकाला, और वो समय मुझे लगता नहीं है ज्यादा दूर है कि अपने हाई पाइप पे चले जाएंगे. 4 पॉइंट अभिषेक ने डिफेंस करते हुए ऑलरेडी निकाल लिए, तो 5 का डिफेंस अजीत चव्हाण के लिए मौजूद है. डिफेंस सिर्फ और सिर्फ नाच रहा है, और कोई ऑप्शन इस डिफेंसिव साइड के पास में है नहीं. स्किल्स दिखाई नहीं, खाता खोला नहीं, एंकल होल्ड डिफेंस में. क्या ये पहला अंक हो सकता है नासिक के पक्ष में? प्रयास अभिजीत अजीत चव्हाण का भी जारी है, लेकिन कॉम्बिनेशन टैकल के चलते अजीत को पहली बार लाइक ही कुड हैव एस्केप्ड दैट. And perhaps that one moment the coach wanted the defense to click, and that could be the motivation that the defense needed. All they need to do is go confidently, just like this ankle hold executed confidently. One point. And we can see the coach here. Coaches थोड़ी सी tense स्थिति में हो, players को मजे लेने चाहिए. लेकिन ऋषिकेश ये खिलाड़ी मजे लेते हुए लुक देते हुए नजर जरूर आएंगे. 5 के defense में ankle hold हुई है, और अब लंबे समय के बाद नासिक के defense ने चलना शुरू कर दिया है. Right now, Pratik Shinde steps in for Nashik, and he can possibly get a point. The super raid would get them to those double digits. They're going to need some super performances like that. Definitely not like that, because the defender के लिए निकाला है. ज़्यादा काम अजीत ने किया है, अभी भी अजीत चव्हाण लगातार रेड लगाने के लिए जा रहे हैं. 11 पॉइंट्स निकाले रेड करते हुए, क्या कहना है इस खिलाड़ी का. 10 रेड लगाइए, एक सुपर रेड में भी अपना इंक्लूजन दिखाना, का मतलब साफ पता चलता है कि कितनी एजिलिटी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस खिलाड़ी के अंदर है. लंबी कद काठी के डिफेंडर से गलती हुई है. आगे अपने कैंप में रायन. Yes, it looked like the defender himself bent to the raider there with a lot of grace and respect, gave the honor of that 1 point, and looks like the raider here just simply went in and asked the defense to come. नांदेड़ 27 पे, 7 के ऊपर नाशिक है, 20 अंकों का फासला है. अजीत चव्हाण बचे हुए जो लमसम पौने 5 मिनट का खेल है पहले आपका, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे. एक और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिफेंस के एंकल होल्ड की वजह से, कॉम्बिनेशन टैकल की वजह से, दिस कुड बी अ सुपर टैकल फॉर नाशिक डिस्ट्रिक्ट. दिस कुड बी 2 मोर पॉइंट्स फॉर नाशिक डिस्ट्रिक्ट, बट अजीत चव्हाण ही इज नॉट गिविंग अप एट द मोमेंट. नाउ ही विल हैव टू टैकल दिया. WWE नहीं है, कबड्डी का खेल है, लेकिन फिर भी इसमें अंक आपको 2 मिल रहे हैं. Yeah, well, if this was WWE, I'm sure the game would have been over, because he was pinned down for 3 seconds, if I'm not wrong. You have the count, right, of 1, 2, 3, okay. कंधे जमीन पे होने चाहिए, कंधे जमीन पे होने चाहिए, कंधे हवा में तैराया.
true. Fair. And here Nasik has gotten back-to-back points, the super tackle, along with the is the man here coming in for the do-or-die raid. Over to you, Ayush. याकूम हल्के से हो गए गुम जैसे ही उनको पता चला कि ये डू और डाई की सिचुएशन है. वो होरन ब्लिंक हुआ और उसके बाद पता चला है कि ये पांच का डिफेंस है जिसमें बोनस एक्टिवेट नहीं है. याकूम को स्ट्रगल में जाना पड़ेगा. स्कॉर्पियन टिकट लगाया, एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं आया. एक और बार फिर यहाँ बैक किक था, पहले स्कॉर्पियन उसके बाद बैक, लेकिन पॉइंट अभी भी उनके पक्ष में नहीं. अब यहाँ से पॉइंट लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है. या मल्टी पॉइंटर रेड, ओ जस्ट फॉर अ सरप्राइज, जस्ट फॉर अ चेंज. आखिरी के कुछ सेकंड्स के अंदर जब रेडर थोड़ा सा थक जाता है, बाहर आना मुश्किल, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ 5-6 सेकंड्स का टाइम शायद वहां पर बचा था और उसी के चलते अपनी टीम के लिए याकूम ने मल्टी पॉइंटर, 4 पॉइंट्स की रेड लगाई है रायन. For Yakum to come in there because Yakum was the man under pressure, so I think that error is turned out to be costly for them. And we have a do or die raid here in this end as well, as Avinash has to revive a man for his team to keep them in on it. And rather than giving the all out, I think he will give the all out. I think he might have gotten the bonus, 1+2, which is why points. That all out Nashik. Oh, there's no bonus there. That's a full all. Up against the open in Nanded district. 10 point mile Nashik ko. 35 ke upar Nanded ki team hai. 5 raid points nikale sirf aur sirf qarar rakhne ki koshish karegi. To wahi Nashik ek aisi team jisko shuruaat utni achhi nahi mili, wo apna comeback karna chahegi. Yadi aapne kuch miss kiya to hum aapke liye wo highlights laaye hain. Us highlights mein aapko lagata hai Ajit Chauhan namak ke khiladi aur saath nibhate hue Abhishek nazar aayenge. Abhishek ne defense mein और फिर ये उड़ता किया था रेडर को. वो एफर्ट दिखाने के प्रयास के अंदर अक्षय सूर्यवंशी, उन्होंने अपनी क्षमताएं दिखाई, बॉडी की ताकत दिखाई और लगातार अपनी टीम के लिए डिफेंसिव टेक्निक्स के चलते पॉइंट निकाल रही है नाशिक. अभिषेक का बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो रेड लगाते हुए अजीत ने वो काम किया है. एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट कॉर्नर की पोजिशन के ऊपर से भी सपोर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन सडन टैकल, सरप्राइज टैकल हमेशा अभिषेक ने अपनी टीम के लिए दिखाई है और उसी के चलते वो सीधे फास्ट आपको नजर आएगा स्कोर कार्ड के अंदर. ये वो सुपर टैकल की सिचुएशन थी जिसमें अजीत फंसे थे, उसी के चलते एक सुपर टैकल एग्जीक्यूट करने में नाशिक को सोते तो परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन परिस्थितियां अच्छी है और शायद इससे भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि कमेंट बॉक्स में मेरा साथ निभाने के लिए एक युवा कॉर्नर्स वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड नांदित कंटिन्यूज टू स्कोर. दे हैव अ 26 पॉइंट लीड एंड आई डू सी देम ओनली कमिंग आउट ऑन टॉप इन दिस गेम, बट अ वेरी गुड रेड फ्रॉम नाशिक देयर, माइट हैव गॉटन अ कपल ऑफ पॉइंट्स, मेबी 3. ओ ओके, इट्स जस्ट 1 पॉइंट. ओके प्रणय बारे, लेकिन मांग की जा सकती है मल्टी पॉइंट्स की, 2 पॉइंट्स तो. दैट्स अ फेयर आंसर आयुष, आई विल एक्सेप्ट इट. एज मेहुल कम्स इन फॉर नाशिक नाउ, नाशिक हैड अ वेरी गुड रेट प्रायर टू दिस वेयर दे गॉट 2 पॉइंट्स. कैन दे गेट 2, मे बी इवन 1? नो दे कैन नॉट बिकॉज़ ऑफ वेरी गुड होल देयर. डबल थाइस के ऊपर जाते हैं और एग्जीक्यूट करके ये इंश्योर करते हैं कि जब तक रेडर्स अपनी कैंड को तोड़ ना दे उनको बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन ये वो डिफेंस नांदेड़ का नहीं है, ये नाशिक का डिफेंस है. इनटू द लास्ट 18 मिनट्स ऑफ दिस सेकंड हाफ एंड पवन विल कम इन एंड यू नो मे बी ट्राई टू स्कोर अ पॉइंट, few points. Can Pawan get the points? No, he cannot. He initially caught the escape past the first defender, still trying to get through. This is Pawan fighting all way, but the team coming in strong and you can see a smile. वो रेडर्स को नहीं डिफेंडर्स को भी सही तरीके से तोल रहा है. ईश्वर बता दे, ये वो खिलाड़ी है जिनको सब्स के अंदर बुलाया गया था. सबसे ज्यादा रेडिंग पॉइंट यदि नाशिक के लिए किसी ने लगाए हैं तो वो ईश्वर ने लगाए हैं. इस बार फिर वो इन और कॉर्नर की पोजीशन के बीच में से राइट इन राइट कॉर्नर बोनस निकालना चाह रहे थे. चलिए लग गए रस्ते, बांध लीजिए बस्ते, ये नांदेड़ का डिफेंस है, इसमें रेडर्स से बस्ते. एक और पॉइंट नांदेड़ के डिफेंस के. अजित चव्हाण लाइक्स द सिचुएशन, दिस इज फेवरेट सिचुएशन. इट्स आल्सो अ डू ऑर डाई रेड व्हिच मींस वी विल गेट टू सी 2 पॉइंट्स गोइंग टुवर्ड्स नाशिक साइड इफ दे गेट द टैकल, और दैट विल नॉट हैपन बिकॉज़ अजित चव्हाण इज द रेडर एंड ही गेट्स अ पॉइंट. नांदेड़ नजर आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं. मोशी अंदर बुलाया, लेकिन रेड करने के लिए कौन गए? प्रतीक. डिफेंस कितने का? 7 का. 7 के डिफेंस का मतलब रायन क्या होता है? द बोनस इज ऑन. आप बोनस ऑन है, 6 या 7 खिलाड़ी मैट पे कभी भी मौजूद हो तो बोनस से आप अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको रिवाइवल चाहिए तो उसके लिए रायन क्या करना होगा? टच पॉइंट देना होगा, लेकिन अभिषेक के मौजूद होते आप कुछ नहीं दे सकते. ये अभिषेक स्टूडियोज वो ध्यान जरूर देंगे उनकी सेहत के ऊपर, लेकिन सद्दाम शेख जिनको रिप्लेस करके अंदर बुलाया, बट रेड पे किसको भेजा है? पवन बोरे को. रेड एंजॉय कीजिए. रेडर सेफ, 1 पॉइंट नाशिक. पवन बोर 67 मुझे लगता है कि वो पॉइंट बनाने चाहिए थे, लेकिन अब नांदेड़ की टीम जो है वो गेम को थोड़ा सा स्लो कर देगी रायन, तो लगभग 60 के अंदर ही रुक सकती है. डैश के एफर्ट्स, 2 पॉइंट्स नाशिक को मिल सकते हैं. Not many have gone through and I hope Nanded is on my side right now. I'm rooting for them. 15 more points from Nanded. I see it happening.
I've come very close to predictions, you know, so it's close, but it's not close enough. Just like that, this is close. And how close is it? Was his hand on the midline? The coach is immediately told to take the review. And I think, yes, the umpires will have a discussion before giving out the final verdict. नांदेड के कोच मतलब लगातार हर बार वो रिव्यू की मांग कर लेते हैं और यही लग रहा है हाँ लगा मेरे को भी यही लग रहा है थ्री पॉइंट्स नाशिक कैप्टन रिटेन योर रिव्यू ने सपोर्ट करने की कोशिश की थी मोहसिन पठान वो भी बाहर की तरफ जाएंगे अजीत चौहान रेड पे आए हैं इनको भी बाहर फेंका जा सकता है एक डिफेंडर तो आउट ऑफ द बाउंड हो चुका है रायन लेकिन एक पॉइंट नाशिक One point. Pavan Bhor. Number three out. Point, which means the super tackle situation on right now. Ayush. Super tackle की situation. Pavan, पिछली बार इन्होंने एक running touch अपनी team के लिए लगाया था. पिछली बार भी super tackle की situation थी. But defense में दो के बनिस्पत तीन खिलाड़ी थे. लेकिन याद रखिएगा अभिषेक jersey number 20 जो फिलहाल right corner पे है. Frontal block miss हुआ. All out. नांदेड का all out. नाशिक. और बोलते रहे कई बार ऐसा होता है दोस्त कि मेरे specs लगे हुए होते हैं और फिर भी मैं ढूंढता हूँ चश्मा कहाँ है चश्मा कहाँ है Oh well, take a look at that. A do or die rate. Last man standing. And he will also be taken out. And Nasik has done a spectacular job. Nandit slowing the game down altogether. And this man, Yakum, loves to do that as well. कोशिश करनी पड़ेगी अपने वो सारे के सारे एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे जितने बार आप अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल सकते हैं उतनी बार निकालने पड़ेंगे और नांदेड़ के लिए ये खिलाड़ी अजीत चौहान लगातार पॉइंट ला रहा है कितने तगड़े एफर्ट्स दिखा रहा है टच पॉइंट इन्होंने 13 निकाल लिए बुनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन अब नासिक की टीम के पास बचा नहीं है 52-24 मुकाबला तो गवा दिया लेकिन बचे हुए 6 मिनट के अंदर डिफेंडर्स कितने पॉइंट निकाल सकते थे ये एक सवाल था उसका जवाब कम से कम इस रेड ने दिया है एक मे बी he would have gotten through but what's over and the super tackle is on and it'll make more difference because now they gets one more point and he down to just two men प्रेडिक्शन दे आज के इस मुकाबले में 3 पॉइंट इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए निकाले लेकिन यहां और निकालने चाहिए उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि यहां से नाशिक रिवाइवल नहीं निकाल सकती तो ऑल आउट के बहुत पास हो जाएगी ऑलरेडी इन्होंने आज बहुत ऑल आउट फेस किए हैं अब और ये एक्सेप्ट कर नहीं सकते और अगर आपको करने पड़ेंगे का मतलब यह है कि वो जो फासला -51 का था उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा कॉर्नर ने टूटने की कोशिश करी और तोड़ के कॉर्नर वेंट इन फॉर दैट ऑनटू द एंकल्स इट डिड नॉट वर्क आउट वेल However, the super tackle's on once again and can he get a couple of points? Beautifully executed and Adit Chavan is having his day of his life. Beautiful raid there, Ayush. हॉस्पिटल में आईसीयू में कई बार वो मरीज वेंटिलेटर्स के ऊपर शुरू होती है और फिर अजीत आ जाते हैं अपनी टीम के लिए पॉइंट ले जाते हैं नासिक को कहते हैं चलिए वो आपका वेंटिलेटर ऑन कर देता हूं प्रतीक शिंदे एक मात्र खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद थे इस एक अंक के साथ अपनी टीम में जस्ट वन मोर पॉइंट फॉर अजीत चौहान टू कम एंड गेट बिकॉज दैट गाय इज जस्ट ऑन अ रोल राइट नाउ एंड हियर इट्स गोना बी 2 पॉइंट्स प्लस द ऑल आउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग रहने चाहिए और आपने वो जो तर्क मारा मजा आ गया रायन कि क्या ये एक खिलाड़ी अंदर आया है या फिर ये एक और शिकार सामने छोड़ा गया अजीत चौहान के क्योंकि जब जब वो खिलाड़ी रेड करने के लिए आता है अपने ओपोनेंट को शिकार बनाता है लेकिन अभिषेक इस खिलाड़ी की डबल थाई होल्ड हिम्युलिटी विद इन मी बिकॉज़ आई विल नॉट कीप माय एक्सपेक्टेशंस हाई इवन इन द क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग द टीम आई सपोर्ट आई डोंट कीप द एक्सपेक्टेशंस हाई एंड नांदेड हियर विल गेट द 60 लेकिन नासिक की टीम पूरी तरीके से वो एक तरफा मुकाबला रहा है आज के इनके लिए बीच बीच में फेजेस में वापसी की है लेकिन फेजेस से काम चलता नहीं है नांदेड इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दिखाई है डिफेंस में रेड में सब में सक्सेसफुल रहे 21 पॉइंट्स निकालना अजीत चौहान ने साबित किया है कि क्या कुछ पोटेंशियल उस खिलाड़ी के अंदर इनफैक्ट अगर जैसे में न्यू स्टैट्स पर No, then this means that our team is, you know, hiding something from you. Stangel is someone, is an angel who literally shares the stats with us. So she is stats angel, Stangel. So she has shared कि पॉइंट हुए अजीत चौहान के गणना कर लीजिए ओके स्टेंजल आ रही है रास्ते में अभी रुक गई एक गोल डिफरेंस के अंदर वो इजाफे कर सकते हैं एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं अजीत चौहान उन्होंने तो काम किया ही है लेकिन नासिक के लिए सत्ताम शेख ओह की साइड के ऊपर वो किक लगाया था सौभाग्य था वहां डिफेंडर का कि वो कनेक्शन नहीं था लेकिन कनेक्शन इस बार है चलते अविनाश को कहा है कि आपको वो पॉइंट निकालना चाहिए था 3 पॉइंट अविनाश ने आज निकाले फिलहाल कवर्स की पोजीशन के ऊपर है रेडर चफल करनी करते हुए मिड लाइन के इतना ज्यादा पास एडवांस टैकल काम नहीं आएगा लेकिन इस बार चूक हुई है और शायद समझ चुके हैं कि मुकाबला उनके पक्ष में इतनी आसानी से रहने वाला नहीं है डिफेंस में एक और पॉइंट आया है डिफेंस में एक और पॉइंट आया नांदेड के नो टच देयर
which means it is likely to finish at 64, Ayush. Probably, yes, they'll finish on 64. और हम दोनों के predictions में से आपका prediction थोड़ा ज़्यादा पास है रायन, बहुत ज़्यादा पास है। अब जब किस्मत तो मायूस तो क्या करेगा आयुष, मेरे पास कोई हल ही नहीं है रायन इसका। Yeah, and I could notice in the background reaction of table थे bottom of the points table है और शायद मेरे साथ में इनका वो curse है, जब जब ये मुकाबले खेलने के लिए आते हैं commentary box में मैं होता हूँ और शायद कहीं वो अनलक्की अनफॉर्चुनेट मैं तो नहीं हूँ। और जैसे इनको ये पता चलेगा ये ब्रॉडकास्ट में प्रोडक्शन में शिकायत जरूर करेंगे कि यार आयुष को दूर करिए। Yeah, they're either going to do that or they're going to come looking for you, Ayush. Because if I was in their team, I would probably tell my boys, "Chalo, let's go find out where Ayush lives and check up on him." As we take a look at the highlights here, most of them in favor of Nandit, but Nashik did have their moments, especially in the second half. They did get the all out also, but it was just one-sided affair all throughout, where Nandit had their will going across in this game, especially a few beautiful moves coming in from Nandit's end in both the sides raiding. Take a look at this raid. This is one to watch out for. And they did not get the stop in this instant at 64. Raid points 20. Nandit beating Nashik's total score in that stat itself. बहुत है टोटल रेड्स कितने लगाई है, 30 रेड लगाई है 40 मिनट के खेल में और रेड करके पॉइंट निकाले हो नहीं सकता। अभिषेक नाम आपको नजर आएगा, अभिषेक बोरुंदे 15 टैकल पॉइंट, इन्होंने 15 टैकल्स इनिशियली, परफॉर्मेंस और ज्यादा तगड़ी थी, इंपैक्ट उन पॉइंट का बहुत अद्भुत था। लेकिन यहाँ कहानी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, अहमद अगर टॉप